देखो 4.8 जो है ना उसका कॉन्सेप्ट तो बहुत डिफरेंट आपको लगेगा कि हार्मोनिक सीक्वेंस एक नई सीक्वेंस है, लेकिन डिफरेंट कोई नहीं है। हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो कोई नई बात नहीं है, और ये कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं है जिसकी कोई अपनी डेफिनेशन हो। ये सिंपल अरिथमेटिक से डिराइव हुई है। क्या मतलब? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, तो HP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो क्या बोलते हैं? HP। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आपके सामने लिखा हुआ हो 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, ये नंबर्स लिखे हुए, एक सीक्वेंस है, आपसे बोला जाए सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है। तो अगर कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसको आप रेसिप्रोकल करो, ये सीक्वेंस है ना, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी सीक्वेंस है, तो आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल करो। जब आप इस सीक्वेंस को रेसिप्रोकल करो तो आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1, मतलब सिंपल 2, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/8 का 8, 1/11 का 11। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस गिवन हो और आपको मालूम करना हो सीक्वेंस क्या है, आप क्या करो, आप सीक्वेंस को रेसिप्रोकल करो। अगर उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी के अंदर हुआ, अगर आप देखो ये अरिथमेटिक के अंदर है, कॉमन रेशो 3 है इसका, सॉरी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 आ रहा है, आप 3 ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर किसी सीक्वेंस को आप रेसिप्रोकल करो और उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर है, तो उसका मतलब ये वाली सीक्वेंस क्या कराई जाएगी? HP, हार्मोनिक। तो इसकी कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप रेसिप्रोकल करो, अगर रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर है, इसका मतलब वो जो है हार्मोनिक कहलाई जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन है। बुक ने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक सीक्वेंस, के किसी भी सीक्वेंस को हार्मोनिक सीक्वेंस उस वक्त बोलोगे इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म, अगर उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या अगर उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर है, तो आप सीक्वेंस को हार्मोनिक बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, बच्चे इसको उल्टा भी कर देते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई अरिथमेटिक गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक होगा। वो कहते हैं भाई कि हार्मोनिक का रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक, तो अगर कोई अरिथमेटिक गिवन है उसको रेसिप्रोकल करो तो हार्मोनिक आ जाएगा। मैक्सिमम केसिस में तो ये बात वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई अरिथमेटिक गिवन हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास गिवन है -5, फिर गिवन है 1, फिर गिवन है 7, आप 6 ऐड कर रहे हो यहाँ, फिर 13, फिर आप ऐड करो 19, तो ये बेसिकली अरिथमेटिक है। तो बच्चे बोलेंगे सर अरिथमेटिक को रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5, इसका 1 ही रहेगा, 1/7, 1/13, 1/19, तो कहेंगे कि ये हार्मोनिक के अंदर है, तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास कोई एपी गिवन हो, आप उसको रेसिप्रोकल करो, तो उसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक के अंदर होगा, लेकिन हर एपी का रेसिप्रोकल हार्मोनिक के अंदर नहीं होगा, सिर्फ वो वाली एपी जिनके अंदर जीरो नहीं आता। अगर किसी अरिथमेटिक के अंदर जीरो आता है, तो आप जब उसको रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल हार्मोनिक के अंदर नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि बिल्फर्स अगर आपके पास ये गिवन है 5, 0, -5, -10, -15, ये जो अरिथमेटिक है इसका कॉमन डिफरेंस -5, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, तो अब आपको मसला यहां पे नजर आ रहा होगा। मसला क्या है? मसला है कि अगर जीरो होगा अरिथमेटिक के अंदर, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आ जाएगा। जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 होता है ना, और 1/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है, ये कोई नंबर नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सीक्वेंस के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो नंबर ना हो, तो सेंस ही नहीं बना रही। इसका मतलब इस वाले एपी का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल हार्मोनिक नहीं होगा। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो ना, वैसे प्रॉपर डेफिनेशन तो ये होती है कि हार्मोनिक का रेसिप्रोकल एपी के अंदर होता है हमेशा। किसी भी सीक्वेंस को आप हार्मोनिक बोलते ही उस वक्त हो जब उसको रेसिप्रोकल करो, अरिथमेटिक आता है। लेकिन अगर आपके अंदर मतलब है कि मुझे बोलना है, तो फिर आप इस तरह बोलो कि ऐसी अरिथमेटिक जिनके अंदर जीरो ना आ रहा हो, उनको जब रेसिप्रोकल करें तो उसका रिजल्ट भी हार्मोनिक आता है, तो आप बोल सकते हो ये, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए उसके अंदर। एक तो ये बात, दूसरी बात आपने देख ली कि हार्मोनिक के अंदर कभी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हार्मोनिक के अंदर जीरो आ गया तो उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर होना चाहिए, तो उसके रेसिप्रोकल में 1/0 आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई हार्मोनिक के अंदर भी जीरो नहीं आ सकता और ज्योमेट्रिक के अंदर भी जीरो नहीं आ सकता। जीरो सिर्फ अरिथमेटिक के अंदर आ सकता है, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के अंदर नहीं आ सकता। ये इसका कॉन्सेप्ट था। सवाल इसके कोई नए तरीके से आपने सॉल्व नहीं कर रहे, इसके सारे सवाल आप अरिथमेटिक से सॉल्व करोगे, बड़ा आसान तरीका, जो आपने अरिथमेटिक में पढ़ा था वही काम सारा आपने 4.8 में करना है, कोई नई चीज आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि इन सवालों को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप हार्मोनिक से सॉल्व कर लो या उसको अरिथमेटिक से सॉल्व कर लो। तो हम बेवकूफ है कि हम हार्मोनिक से सॉल्व करें, हमें जब अरिथमेटिक सीख लिया तो हम अरिथमेटिक से ही क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और यहीं पे आप पढ़ लो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हार्मोनिक की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है,
वन अपॉन ए, वन अपॉन ए प्लस डी, वन अपॉन ए प्लस टू डी अप टू वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर आप देखो तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो अरिथमेटिक बन जाएगी, डेफिनेशन ये है ना कि भाई हार्मोनिक होती होगी जब रेसिप्रोकल किया जाए तो अरिथमेटिक बन जाए, तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एच पी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं एच पी। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है जलन ड्रम का, जलन ड्रम का फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन बी प्लस एन माइनस वन ए माइनस बी। एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हमने नहीं करना लेकिन कभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ए बी बी प्लस एन माइनस वन ए माइनस बी, यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो ये फॉर्मूला यूज होता है अगर आप हार्मोनिक को इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। ये जनरल टर्म फॉर्मूला होता है, टीएन भी आप लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो। ये जनरल टर्म फॉर्मूला होता है जिसमें ए जो है वो होती है फर्स्ट टर्म, जो बी है वो यहाँ पे होती है सेकेंड टर्म, कहने का मतलब, और एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल आपको हार्मोनिक की पहली टर्म देते हैं, हार्मोनिक की दूसरी टर्म देते हैं और आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 13 है, या आपको बोला जाए कि 13वीं टर्म निकालो, तो एन की वैल्यू 13 और शुरू की दो टर्म आपको देनी है, ए और बी का मतलब पहली दूसरी टर्म। तो अगर पहली दूसरी टर्म दे दी जाए और उसके बाद आपको कोई भी टर्म मालूम करने को बोला जाए कि 12वीं टर्म निकालो 13वीं टर्म निकालो, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास वो वाली टर्म आ जाएगी। ये है हार्मोनिक का तरीका। लेकिन ये जो सवाल मैंने बताया इसको मैं हार्मोनिक से सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इसको मैं अरिथमेटिक से सॉल्व करवाऊंगा। बुक ने अरिथमेटिक से भी सॉल्व कराया है, हार्मोनिक से भी सॉल्व कराया है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि हम इनके सवालों को अरिथमेटिक से करें ताकि कोई नई चीज हम ना सीखें, जो हमने पहले कर लिया है वही काम होता है। अब किस तरीके से अरिथमेटिक में होगा जब मैं क्वेश्चन कुछ करवाता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल देख लेंगे, तब आप लोगों को मजीद बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ऑडियो लगा रहा हूँ, उसकी वजह ये कि मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर ये हार्मोनिक में सीरीज का टॉपिक क्यों नहीं है, मतलब इसकी एक्सरसाइज भी मिलेगी नहीं आपको, अरिथमेटिक में मिल रही है, ज्योमेट्रिक में मिल रही है, हार्मोनिक में क्यों नहीं मिल रही, क्या ये सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है या वाकई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है? तो ये जवाब मैंने उसको पर्सनल में दिया था लेकिन मैं यहाँ पर भी अटैच कर रहा हूँ। वो जवाब ये है कि देखो, हार्मोनिक सीरीज़ जो है ना, सबसे पहली बात आपने देखा था दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो फाइनाइट सीरीज़ होती है, एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है। तो अरिथमेटिक में इनफाइनाइट सीरीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि वो डाइवर्ज ही करेगी, आप ऐड करोगे सम कभी पॉसिबल नहीं होगा, कोई फाइनाइट नहीं आएगा। ज्योमेट्रिक में खास कंडीशन पे फाइनाइट सम आ सकता है, तो आप बोल सकते हो कि ज्योमेट्रिक इनफिनिट सीरीज जो है वो कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, अरिथमेटिक तो हमेशा डाइवर्ज करती है। इसी तरीके से जो हार्मोनिक सीरीज़ है वो भी डाइवर्ज करती है, वो बस स्लोली डाइवर्ज करती है एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक, लेकिन डाइवर्ज वो भी करती है, मतलब आप उसका सम निकालोगे तो सम आपके पास को फाइनाइट नहीं आएगा, तो उसका मतलब इन्फिनिट हार्मोनिक सीरीज़ का तो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, सेंस नहीं बनेगी उसकी। जैसे इन्फिनिट अरिथमेटिक सीरीज़ कोई नहीं है तो इस तरह इन्फिनिट हार्मोनिक सीरीज़ भी कोई नहीं होगी। अब रही बात कि सिंपल हार्मोनिक सीरीज़ फाइनाइट, क्या वो पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई दुनिया में एक जनरल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता जिसके ज़रिए से आप किसी भी हार्मोनिक सीरीज़ का सम निकाल लो एक्यूरेटली पूरी। हाँ, आपको अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएंगी, कुछ स्पेसिफिक हार्मोनिक सीरीज़ हैं जैसे रेसिप्रोकल वाली, मतलब रेसिप्रोकल इन द सेंस में क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये जो स्पेसिफिक किस्म की हार्मोनिक सीरीज़ है ना, इसके आपको काफ़ी फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे अप्रॉक्सीमेशन वाले फॉर्मूले हैं, कोई एक्यूरेट फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो आपने अरिथमेटिक ज्योमेट्री में जिस तरह पढ़ा था, वो हार्मोनिक के अंदर कोई भी नहीं है। दैट्स वाई हार्मोनिक के अंदर आप टॉपिक पढ़ते ही नहीं सीरीज़ का, क्योंकि कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये है कि कोई स्पेसिफिक अगर हार्मोनिक सीरीज़ हो जैसे जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, इनके फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो भी अप्रॉक्सीमेशन के, अगर आपको शौक हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो, मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोई ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है जनरल फॉर्मूला जो हर हार्मोनिक सीरीज़ का आपको सम निकाल के दे, तो दैट्स वाई टॉपिक आप वहाँ पर नहीं पढ़ोगे। तो ये तो इसका जवाब है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट जो मेरे जहन में आया था लेकिन पता नहीं मैंने जवाब नहीं दिया था, मैंने उसके बारे में रिसर्च भी किए, इतने अच्छे तरीके से तो मुझे समझ नहीं आया, बुक में भी बात लिखी हुई लेकिन बुक में डिस्क्राइब उन्होंने नहीं की हुई, नेट पे भी, क्योंकि ये मेरी फील्ड से बाहर है, ये म्यूज़िक की फील्ड के अंदर बात चली जाती है और वहाँ की टर्मिनोलॉजी टोटली डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे इतना अच्छा समझ नहीं आया, लेकिन जितनी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बता देता हूँ। वो सवाल ये है कि भाई हार्मोनिक सीक्वेंस को हार्मोनिक कहते क्यों हैं, हार्मोनिक का ये वर्ड यहाँ पर आप क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? तो भाई इसका सिंपल एक जवाब ये है कि हार्मोनिक उसको इसीलिए कहा जाता है, इसकी रीज़न भी बुक ने मेंशन की हुई है लेकिन वो खैर इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसे समझ पाओ। इसका जो ताल्लुक है म्यूज़िक से रिलेटेड है, एक मिनट के अंदर मैं बात समझा दूंगा, जितना हो सके तो आप लोग समझ लेना उसको। कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास गिटार है, अब गिटार पे आपको पता है कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपने पूरा अटैच किए हुए होते हैं, आप उसको हिलाते हो, स्ट्रेच करते हो, प्लग करते हो तो आपको एक साउंड मिलती है।
अच्छा सबसे पहले हर स्ट्रिंग के ना, अगर आप ये गिटार में देखो जो बजाते हैं उनको पता होगा कि नोट होते हैं, आपने सुना होगा सी नोट भी होता है, एक नोट माइनर, जी माइनर, इस टाइप के होते हैं सारे, मुझे नहीं पता। तो सबसे लोएस्ट जो साउंड या फ्रिक्वेंसी होगी ना उसको आप कहते हो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। किसी भी सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी की आप साउंड वेव अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस फ्रिक्वेंसी को आप बोलते हो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब हार्मोनिक क्या होता है? हार्मोनिक बेसिकली एक साउंड वेव है। अब साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड वेव ऐसे प्रोड्यूस होती है कि अगर किसी भी वेव की डिफरेंट साउंड वेव्स है ना, आप जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच करोगे, डिफरेंट प्लग करोगे तो डिफरेंट वेव्स प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ऐसी साउंड वेव्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1, 2, 3, 4, ये इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। तो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, तो वो जो साउंड वेव्स होती हैं उनको आप बोलते हो हार्मोनिक। अब आप लोग बोलोगे सर 1, 2, 3, 4 ये तो अरिथमेटिक है, हार्मोनिक का क्या मतलब है इसमें? तो जो हार्मोनिक बोला जाता है ना वो रेसिप्रोकल अरिथमेटिक का, वो इसलिए बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी इन क्या कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 इस तरह है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी 1, 1/2, 1/3, 1/4। दैट्स वाई हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो वेवलेंथ होती है ना साउंड वेव्स की, अगर वो फंडामेंटल वेवलेंथ के इस तरीके से हो कि 1 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 मल्टीपल हो इस तरीके से, तो जो आपके पास साउंड वेव होती है उसको आप कहते हो हार्मोनिक। दैट्स वाई यहाँ पे हार्मोनिक का वर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये वो रीज़न है जो मुझे करीब नज़र आई है जितनी भी मैंने वेबसाइट पढ़ी है, बाकी थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, इसलिए ये मुझे बेस्ट समझ आया था तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अच्छा बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट है, कोई भी एक कर लो बाकी समझ आ देंगे। तो मुश्किल वाला वो है जिसमें नेगेटिव आ रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 4 लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है -1/5, -1/3, -1... और आपको इसकी 15th टर्म निकालनी है। सवाल ये कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आपको 15th टर्म निकालनी है। अब मैंने बोला है कि यार इन सब सवालों को हमें अरिथमेटिक से कन्वर्ट करना है, अरिथमेटिक में फिर हम सॉल्व करेंगे। अब ये कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहली बात, यह आपको एचपी गिवन है, जो भी एचपी गिवन होगी ना आप उसको एपी में कन्वर्ट कर लोगे और फिर उसको वैसे सॉल्व करोगे जिस तरह आप अरिथमेटिक को सॉल्व करते हो, और जो एंड पे आंसर आएगा उसको दोबारा रेसिप्रोकल करना, वो एचपी में चला जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को रेसिप्रोकल करके एपी में ले आते हैं। तो गिवन एपी क्या है, इसको रेसिप्रोकल करो। -1/5 का रेसिप्रोकल -5, इसका रेसिप्रोकल -3, इसका रेसिप्रोकल तो -1 रहेगा। तो ये सिंपल सवाल कन्वर्ट हो गया अरिथमेटिक के अंदर। जैसे अगर आपको अरिथमेटिक गिवन होती थी और आपको अरिथमेटिक के शुरू की 3 टर्म दी हुई है और आपको बोला मैं 15वीं टर्म निकालो, तो बाएं हाथ पे खेला आपका। कैसे? फर्स्ट टर्म है यहाँ पे -5, कॉमन डिफरेंस देख लेना 2 आएगा क्योंकि आपने -5 के अंदर 2 ऐड किया, तो यह आया इसके अंदर 2 ऐड किया, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है और एन की वैल्यू यहाँ पे 15 है। 15वीं टर्म आपको निकालनी है, इससे आसान और क्या हो सकता। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है जनरल टर्म का, फॉर्मूला होता है a+n-1d। फर्स्ट टर्म है -5, कॉमन डिफरेंस है 2, सॉल्व करो ये हो जाएगा +2n-2, जनरल टर्म बन जाएगी 2n-7। मैं प्रेफर करता हूं जनरल टर्म निकाल ली जाए, फिर n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 15 है, पुट करो n के जवाब में 30-7 क्या होगा, सिंपल 23 होगा। तो ये जो 23 आई है ना ये एपी के अंदर है, आपने दोबारा इसको कन्वर्ट करना है एचपी में। सो हेंस 15th टर्म ऑफ गिवन एचपी, तो गिवन एचपी की जो 15 टर्म है वो क्या होगी, 1/23 होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा सवाल जो है ना वो एपी में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हो, जैसे ही एंड पे आंसर आता है ना उसको रेसिप्रोकल करते हो तो वो हार्मोनिक पे चला जाता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो एचपी से रिलेटेड है, दरमियान का सारा सॉल्यूशन आप अरिथमेटिक से करोगे, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। सही है, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कभी हो सकता है आपको हार्मोनिक की ना शुरू की टर्म दे दें और एक टर्म दे दें आपको और बोले वहां पे एन मालूम करो, मतलब यही सवाल होता, इसमें आप क्या करते हैं एक टर्म दे देते, बोलते हैं कि 1/23 एक टर्म है इसकी, बताओ 1/23 कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, मतलब यहाँ पे आपको एन निकालना होता है। तो आप इसको एपी के तरीके से कर सकते थे, इसको कन्वर्ट करते 1/23 क्या होता 23, अब सॉल्व करते यहां से एन की वैल्यू निकालते, जो एन की वैल्यू आपको अरिथमेटिक देता ना वही एन की वैल्यू हार्मोनिक की भी होती। ये नहीं कि आप एन निकालो
और उसको रेसिप्रोकल कर दो हार्मोनिक लेयर, नहीं, एन रेसिप्रोकल नहीं होगा। इसी तरह कॉमन डिफरेंस भी रेसिप्रोकल नहीं होगा, ये वो चीजें जो रेसिप्रोकल नहीं हो सकती, ठीक है। एन फ्यूरी रेसिप्रोकल हो सकता, क्योंकि भाई जो इसकी नंबर ऑफ टर्म है अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे एपी के अंदर तो नंबर ऑफ टर्म तो वही रहेंगी ना, अगर इसके अंदर टोटल फॉर एग्जाम्पल 15 टर्म है तो रेसिप्रोकल करने के बाद भी 15 टर्म ही रहेंगी ना, तो नंबर ऑफ टर्म पर रेसिप्रोकल नहीं करते। जो यहाँ पे एन का आंसर होगा वही एन का नीचे भी आपका आंसर होगा हार्मोनिक, तो जरा देख के रखना जो टर्म आती है ना उसको रेसिप्रोकल करते हैं, लेकिन एन हो गया डी हो गया इनको आप रेसिप्रोकल नहीं करते। जो टर्म्स होती है वो रेसिप्रोकल होती है, जैसे फर्स्ट टर्म अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आपने एपी की फर्स्ट टर्म निकाली उसको रेसिप्रोकल करना तो हार्मोनिक की आ जाएगी। तो जो टर्म्स है उनको आप रेसिप्रोकल करते हो, एन को या डी को रेसिप्रोकल नहीं करते, इस चीज का ख्याल रखना। बुक में आगे इसको सवाल है नहीं लेकिन मैंने ध्यान बता दिया कि किसी सवाल में मिस्टेक ना हो। ठीक है चलो, तकरीबन 10-15 मिनट और पढ़ लेते हैं फिर मैं छुट्टी दे दूंगा आप लोगों को। कितने सवाल एक जैसे ही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ हर सवाल में क्या सेम चीज है। टू में क्या लिखा हुआ है, सेवेंथ और टेंथ टर्म आपको दे दिया है, सातवीं और दसवीं टर्म दे दिए है, आपको बोला हुआ है 14th और 20 टर्म निकालो, निकाल लेंगे कोई मसला नहीं। फोर में देखो, फोर में लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म दे दिए, फिफ्थ टर्म दे दिए, आपको बोला हुआ है 9th टर्म निकालो और 5 थोड़ा अलग है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये तकरीबन एक जैसे ही है, इवन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी एक जैसे ही है, 19-20 का फर्क है। तो हम उसको कैसे हम करेंगे, मैं 2 करवा देता हूं, 4 आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या करना है यहां पे। तो 2 में लिखा हुआ है सेवंथ टर्म जो है, मतलब जो सेवंथ टर्म है वो है 1/3 और जो 10th टर्म है वो है 5/21, ये गिवन एचपी की बात की जा रही है और आपको निकालना क्या है यहां पे 14th और 20 टर्म निकालनी है भाई। आपने क्या करना है, आपने इसको एपी में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर आप एपी में कन्वर्ट करोगे तो सातवीं टर्म एचपी की 1/3 थी, एपी की क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो 3, और दसवीं टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो, मसला हल। रेसिप्रोकल करना है, सवाल एपी के अंदर कन्वर्ट होता है तो आप लिख देना ये जो टर्म्स है ये एपी की टर्म्स है, और उसके बाद आप क्या करो यहाँ पे एपी की 14th टर्म और 20 टर्म निकालोगे, सिंपल। जो 14 और 20 टर्म आएगी एंड पे रेसिप्रोकल करना, हार्मोनिक में आ जाएगी, इस तरह करना है आपने। अब सवाल है कि यहाँ पे आप कैसे निकालते थे, मेन आइडिया मैं दे देता हूँ क्योंकि सवाल हमने एपी के अंदर बहुत दफा किए। मेन आइडिया क्या होता है कि आप यहाँ पे यूज करते थे जनरल टर्म का फॉर्मूला, ये चीज ना लिखो तो बेहतर है क्योंकि A40 A20 हम HT को ही कहते हैं तो ज्यादा बेहतर है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, मिक्स ना कर देना चीजों को, ठीक है। तो अच्छा हम क्या करते थे, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाते थे, सवाल में आपको गिवन है जो सातवीं टर्म है वो 3 है तो आप n की जगह 7 पुट करो, n की जगह 7 पुट करना 6 हो जाएगा, तो बोला हुआ था जो सातवीं टर्म है वो 3 है तो A+6D किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी। फिर आप इस कंडीशन को इस्तेमाल करते थे, n की जगह 10 पुट करो, 10-1 क्या होगा 9 के बराबर, 9D, तो A+9D किसके बराबर हो जाएगा, 10वीं टर्म सवाल में गिवन है 21/5 के, थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, 5 को मल्टीप्लाई करवा दो, 5A+45D और 21 है इसको इधर ही रख दो, 5 को जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पर तो जिस तरह आप एपी में सॉल्व करते थे इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या अगर आप इसको यहाँ ना मल्टीप्लाई करो तब भी सही है, इसको 1 और एक काम करो इसी को बोल दो, कोई मसला नहीं है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप इन दोनों टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दो तो A कैंसिल हो जाएगा, 6D-9D ये हो जाएगा -3D और 3-21/5 कर लेना, इतना मसला नहीं है। तो यहां से आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जैसे आपके पास D की वैल्यू आएगी D से आपके पास पुट कर देना या तो 1 में या 2 में, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, ये आपको काम करेंगे ना, ठीक है, डी और ए आपके पास आ जाएगा, जैसे डी और ए आएगा तो आप एपी की 14 और 20 टर्म निकाल सकते हो, 14 टर्म क्या हो जाएगी, सिंपल A+14-1 मतलब 13D, 14 टर्म क्या होगी, एन की जगह 14 पुट करो ना, 14-1 13, अब आपको ए भी पता आपको डी भी पता आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 14 टर्म क्या है, इसी तरह आप जो 20 टर्म है वो भी निकाल लोगे, जैसे ही 14 और 20 आएगी उसको रेसिप्रोकल करना, वो कन्वर्ट हो जाएंगी एचपी के फॉर्म में, तो 14 20 निकालो एंड पे कन्वर्ट करो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हो
या दूसरा तरीका है कि जो मैं प्रेफर करूंगा वो ये है कि ये करने के बाद आप लिखो हेंस 14 एंड 20 टर्म ऑफ एचपी आर. आप डायरेक्ट इस तरह लिखो कि ए 14 किसके बराबर है, 1 अपॉन ए प्लस 13 डी. मतलब आपने यहीं पर रेसिप्रोकल कर दिया इसको. अब जो आपके पास टर्म्स आएंगे वो डायरेक्ट एचपी की आ रही होगी क्योंकि आपने डायरेक्ट यहीं पर रेसिप्रोकल कर दी ना, 1 अपॉन ए प्लस 13 डी. ये ए प्लस 13 डी एपी की थी, आपने रेसिप्रोकल कर दिया. अब जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपके एचपी के अंदर आ रहा होगा. तो एक तो तरीका है कि पहले आप ए प्लस 13 डी निकालते, फिर जो उसका आंसर आता उसको बाद में रेसिप्रोकल करते, तब आपके पास 14 टर्म आती. या तो आप यहीं पर रेसिप्रोकल करो और डायरेक्ट ए और डी के वैल्यूज पुट करो जो आपके पास आएंगी, तो आपके पास 14 टर्म आ जाएगी. इसी तरह 20वीं टर्म में आपको कैसे निकालोगे, 1 अपॉन ए प्लस 19 डी, तो 20 टर्म भी आपके पास आ जाएगी यहाँ. तो अगर डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर रहे हो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. अच्छा देखो 4.8 के हमने शुरू के दो क्वेश्चंस कर लिए थे, 3, 4, 5 रह गए, कल के पैटर्न पे इंशाल्लाह सॉल्व होंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हो. वो ये रहा था कि हार्मोनिक सीक्वेंस थे, हार्मोनिक सीक्वेंस मैंने कहा था आप लोगों ने बस रेसिप्रोकल करके उसको कन्वर्ट कर देना है अरिथमेटिक के अंदर. वंस वो अरिथमेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाए आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अरिथमेटिक को करते हो. दैट्स इट. जब आंसर आए उसको रेसिप्रोकल कर देना तो वो दोबारा हार्मोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे थे. तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एचपी इज, आपको पहली कंडीशन क्या गिवन है कि एचपी की फर्स्ट और सिक्स्थ टर्म जो है उसका सम जो है वो 31/116 है. लिखा हुआ फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस. हार्मोनिक सीक्वेंस मालूम करने का मतलब हार्मोनिक सीक्वेंस की शुरू के एटलीस्ट 3 टर्म आपको पता होने चाहिए तो पूरी सीक्वेंस आपको मिल जाती है. इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4, तो कंडीशंस आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवन है कि जो हार्मोनिक की फर्स्ट टर्म जो है वो 1/4 है. और दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली टर्म और जो सिक्स्थ टर्म है उसका सम जो है वो 31/116 है. फर्स्ट टर्म दे दिया और बोला है कि सम जो है वो इसके गिवन है और आपको बोला हुआ हार्मोनिक सीक्वेंस मालूम करनी है. अब सॉल्यूशन इसका क्या होगा, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है. द सेंस के फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी पता है, यहां से आप सिक्स्थ टर्म निकाल सकते हो. मतलब अगर आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करो कि सम जो इन दोनों टर्म का वो ये है, आप इस फर्स्ट टर्म को उधर ले जाओ तो वो नेगेटिव हो जाएगी. तो फर्स्ट टर्म उधर जाके नेगेटिव होगी. फर्स्ट टर्म है क्या, 1/4. अब आपने इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है फ्रैक्शंस को कि आप डिनोमिनेटर सेम कर लो. 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 116 आए 29 से. तो आप क्या करो इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 29 से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. तो 4 × 29 ये तो 116 हो जाएगा ना. तो आपका एलसीएम जो है वो 116 है, ऊपर 31, यहां से 29 आ जाएगा. तो जो छठी टर्म है वो हो जाएगी 2/116. जिसको मजीद सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/58. ये आपकी आ गई छठी टर्म. तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आपको गिवन थी, सिक्स टर्म भी आपको गिवन है. अब वक्त आ गया कि आप यहाँ पे शुरू की 3 टर्म निकालो. जब शुरू की 3 टर्म निकालोगे तो सीक्वेंस आपके पास आ जाएगी. पहली टर्म तो आपको पता है, दूसरी तीसरी आप कैसे निकालोगे, आप इस सवाल को कन्वर्ट कर दो एपी के अंदर. जैसे ही सवाल एपी के अंदर कन्वर्ट होगा, अभी ये हार्मोनिक की चल रही है सारी बात कि फर्स्ट टर्म है हार्मोनिक की, ये छठी टर्म है हार्मोनिक की, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करो एपी के अंदर और एपी की शुरू की 3 टर्म निकाल लो. उन शुरू की 3 टर्म से आपके पास हार्मोनिक की आ जाएगी. ठीक है, तो आप लिख लो कि कन्वर्ट इनटू एपी. जब हम एपी में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4 और छठी टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो 58. तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एपी है ना उसकी फर्स्ट टर्म 4 है और जो छठी टर्म है वो 58 है. अब आप इन दो चीजों को इस्तेमाल करके किसी तरीके से शुरू की 3 टर्म निकाल लो. वो निकालने का बड़ा आसान तरीका अगर आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पता चल जाए. अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है तो आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो आसानी से, कोई इशू नहीं होगा. तो ये जो ये वाली कंडीशन है ना कि एपी की छठी टर्म जो है 58, इसको जरा इस्तेमाल करते हैं. एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो ये कौन सी टर्म है, छठी टर्म में आप एन की जगह 6 पुट करो. फर्स्ट टर्म आपको पता है किसके बराबर है, 4 के बराबर है. एन यहां पे 6 है, डी आपको यहां से निकालना है. छठी टर्म किसके बराबर है, 58. ये सिचुएशन आ जाएगी, 4 को जाके सब्ट्रैक्ट करवा दो, ये हो जाएगा 54. तो कॉमन डिफरेंस यहां से आ जाएगा 54/5. ये कॉमन डिफरेंस हो गया. जो कॉमन डिफरेंस आपके पास आया है अब आपकी लाइफ सी है. फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी,
फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करो फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है सिंपल 4 के बराबर है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 4 के अंदर आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, 5 4 20 20 के अंदर 54 ऐड करो 74/5। थर्ड टर्म कैसे आएगी, जो 74/5 है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो उसको सॉल्व करो 78 और 128, ये आपकी तीन टर्म आ जाएगी। ये जो तीन टर्म्स आई ये एपी के आई है, आपको एचपी निकालना था क्योंकि आपने रेसिप्रोकल करके एपी के अंदर कन्वर्ट किया था ना, अब आप दोबारा कन्वर्ट कर दो एचपी के अंदर, तो आप लिख दो हेंस रिक्वायर्ड एचपी इज रिक्वायर्ड एचपी क्या होगी, रेसिप्रोकल करो 4 का रेसिप्रोकल 1/4, इसका रेसिप्रोकल 5/74, इसका रेसिप्रोकल 5/128। इस तरीके से आपके पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस आ जाएगी। आंसर मुझे कंफर्म करने दो इसका, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 सेकेंड। हाँ सही, तो कल भी मैंने आप लोगों को मेथड बताया था कि जो भी एचपी का सवाल होता है उसको आप कन्वर्ट करते हो ईपी के अंदर, जो भी आप निकालना चाह रहे हो डिपेंड करता है सवाल में क्या आपसे पूछा है, वो आप निकालते हो, जब वो आपके पास रिक्वायर्ड चीज आ जाती है आप उसको रेसिप्रोकल करते हो और एचपी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये एचपी, ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस आपने मालूम कर लेना, शुरू की तीन टर्म अगर आपको पता है तो फिर तो मसले हल है ना। तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस आ गई, दैट्स इट, आपका सवाल कंप्लीट। बस आपने कंडीशंस को देखना है, कंडीशंस को मैं किस तरह इस्तेमाल करूं, बाकी आपका सवाल बड़ा इजी हो जाएगा। फोर जो है वो भी इसी किस्म का सवाल है, लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी, आपको एचपी की फर्स्ट टर्म दे दी है, एचपी के आपको फिफ्थ टर्म दे दी है। अब अगेन कंडीशन जरा समझो, फर्स्ट टर्म आपको पता है, आपको फिफ्थ टर्म पता है, ये एचपी की बात हो रही है, एचपी की पहली और पांचवी टर्म आपको दे दी है, और आपको निकालनी क्या है नाइन्थ टर्म, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, आपको जो नाइन्थ टर्म है वो यहां पे निकालनी है। अगेन वही मसला कि एचपी का सवाल है, आप उसको कन्वर्ट कर दो एपी के अंदर, जो भी फर्स्ट टर्म एचपी की होगी जब आप एपी में कन्वर्ट करोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो भी फर्स्ट टर्म आ रही होगी बुक में जो भी लिखी हुई है उसको रेसिप्रोकल कर देना तो वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी एपी की, और इसको रेसिप्रोकल कर देना तो फिफ्थ टर्म बन जाएगी एपी की। तो अब आपके पास एपी की जब ये रेसिप्रोकल कर दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं, -1/3 थी फर्स्ट टर्म तो रेसिप्रोकल करो -3 हो जाएगी, और पांचवी टर्म थी एचपी की 1/5 रेसिप्रोकल करो 5, -1/3 और 1/5। तो पहली और पांचवी टर्म आपको गिवन थी यहां पे एचपी की, आपने रेसिप्रोकल किया और आपके पास एपी की पहली और पांचवी टर्म आ गई। जब एपी की पहली और पांचवी आ जाए तो नाइन्थ टर्म निकालना एपी की मुश्किल बात नहीं है, अभी आपने सीखा है कि जो पांचवी टर्म आपके पास आई होगी ना उसको जनरल टर्म में इस तरह पुट करोगे, एन की जगह 5 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म आपको पता है -3 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस यहां से निकाल लेना, जैसे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आप वहां पे नाइन्थ टर्म आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a+9-1d, फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी पता है, डी आपको पता होना चाहिए था, तो इस वाली कंडीशन से आप डी निकाल लोगे ऐसे, उस डी को यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास एपी की नाइन्थ टर्म आ जाएगी, जो भी नाइन्थ टर्म आएगी उसको रेसिप्रोकल करना तो कोरस्पॉन्डिंग एचपी जो है ना उसकी आपको नाइन्थ टर्म मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने सवाल को एपी में कन्वर्ट किया, जैसे आप लोग शुरू की एक्सरसाइज में नाइन्थ टर्म निकालते थे एपी की वैसे आपने निकाली, जो भी आंसर आया उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा आखिरी सवाल है, ये थोड़ा जनरलाइज है लेकिन आता है पेपर में, लिखा हुआ इफ पीएच टर्म ऑफ एन एचपी, अभी एचपी की बात की जा रही है कि जो एचपी की पीएच टर्म है वो क्यू के बराबर है, आप इसको इस तरह लिख सकते हो इन एचपी, एचपी में आपको क्या गिवन है कि जो पीएफ टर्म है, पीएफ का मतलब होता है एपी, जैसे अगर आपको बोला जाए फोर्थ टर्म, फोर्थ का मतलब ए फोर, अगर आपको बोला जाए टेंथ टर्म इसका मतलब ए टेन, तो ये इसका होता है, तो पीएफ टर्म का मतलब एपी किसके बराबर है, सवाल में लिखा हुआ है कि वो क्यू के बराबर है, और फिर क्या लिखा हुआ है जो उसकी क्यूएथ टर्म है, क्यूएथ का मतलब ए क्यू, जो क्यूएथ टर्म है वो बराबर है पी के, ये दो कंडीशन गिवन है आपको, और सवाल क्या है प्रूफ दैट द पी प्लस क्यूएथ टर्म जो है वो गिवन, सवाल में उन्होंने की कि आपको प्रूफ करना है जो पी प्लस क्यूएथ टर्म है, मतलब ए के नीचे क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू, वो किसके बराबर है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये आपको चीज वी हैव टू प्रूफ दैट, आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि जो एचपी की पी प्लस क्यू टर्म जो है वो इसके बराबर है, ये सवाल है। प्रूफ को छोड़ो, आप सिंपल पी प्लस क्यू टर्म निकाल लो, अगर पी प्लस क्यू टर्म यह आ रही है तो आपका सवाल प्रूफ हो जाएगा। अब सवाल है कि पी प्लस क्यू टर्म कैसे निकालोगे, इस सवाल को ऐसे समझो
कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई पांचवी टर्म गिवन है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल दसवीं टर्म गिवन है, और आपको बोला जा रहा है कि तेरहवीं टर्म निकालो, मतलब दो टर्म्स आपको देनी है और आपको बोला जा रहा है तीसरी टर्म निकालो, मतलब पांचवी या फॉर एग्जाम्पल दसवीं दी हुई है और आपको बोला जा रहा है तेरहवीं निकालो। ये उस टाइप का सवाल है जो आप लोग एपी में ऑलरेडी कर चुके हो। तो आप इस सवाल को सबसे पहले एपी में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही एपी में कन्वर्ट होगा, ये काम आप लोगों ने 4.2 या 4.3 में काफी 4.2 में काफी दफा किया है कि दो टर्म गिवन होती है, उससे आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हो, उन दोनों चीजों से आपको जो टर्म निकालनी होती है वो आप निकाल लेते हो। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इस सवाल को कन्वर्ट कर दो एपी के अंदर, कर लेते हैं। तो कन्वर्ट इनटू एपी। अब हम एपी में कन्वर्ट करते हैं तो अब ये सारी चीजें एपी की बन जाएंगी कि एपी की जो पीएफ टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/Q के बराबर हो जाएगी। क्योंकि देखो ये एन की वैल्यू होती है, ये एन होता है ना, ए एन, तो ये एन की वैल्यू होती है। एन को रेसिप्रोकल नहीं करना होता आपने, मैंने कल भी बात क्लियर की थी, जो टर्म्स होती है ना उनको आप रेसिप्रोकल करते हो। तो अगर एचपी की पीएच टर्म जो है वो क्यू के बराबर है, तो एपी की जो पीएच टर्म है वो 1/Q के बराबर होगी, रेसिप्रोकल कर दिया आपने। इसी तरीके से जो एचपी की क्यूएच टर्म है वो पी के बराबर है, तो एपी की क्यूएच टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 1/P के बराबर हो जाएगी। तो एपी के अंदर अगर आप सवाल को कन्वर्ट करोगे तो ये दो चीजें आपको पता है, इन दो चीजों से आप किसी तरह फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लो। जैसे ही वो आ जाएगा हम पी प्लस क्यू टर्म निकाल लेंगे। अब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, आप यहां पे यूज करो एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पे एन की जगह पी पुट करो, यहां पे एन की जगह आपने पी पुट कर दिया। सवाल में गिवन है जो पीएच टर्म है वो किसके बराबर है, 1/Q के बराबर है। तो ए प्लस पी माइनस 1D ये बराबर था एपी के, और एपी किसके बराबर है, 1/Q के। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ जाएगी। फिर आप क्या करो, एन की जगह क्यू पुट करो, एन की जगह क्यू पुट कर दिया। अगेन ए प्लस क्यू माइनस 1D ये किसके बराबर था, क्यूएच टर्म के बराबर था, और क्यूएच टर्म सवाल में किसके बराबर है, 1/P के बराबर है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब 1 और 2 का आपने इस्तेमाल करना है, और किसी तरह फर्स्ट टर्म मतलब ए और डी कॉमन डिफरेंस ये निकाल लो। जैसे ही आ जाएगा तो आप पी प्लस क्यू टर्म निकाल लोगे एपी की, उसको रेसिप्रोकल करना तो एचपी की बन जाएगी। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है सिंपल, आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दो, ए कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है ए प्लस पी माइनस 1D इज इक्वल टू 1/Q। अच्छा काम करो, इसको डी को ना मल्टीप्लाई कर दो, बाद में मल्टीप्लाई करने से बेहतर अभी कर दो। तो D को P से मल्टीप्लाई करो PD, और D को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस D। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी A प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/P। इस वाले इक्वेशन में आपने D को मल्टीप्लाई कर दिया Q और माइनस 1 से, और आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो A तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस D प्लस D ये भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा PD माइनस QD, और यहां पे होगा 1/Q माइनस 1/P। यहां से आप ले लो डी कॉमन, तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, यहां पे आपका एलसीएम होगा पी क्यू, सॉल्व करना पी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिचुएशन। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू वन टाइम जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1/PQ। तो एक तो आपके पास अननोन आ गया डी। अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, या तो 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो डी की वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं डी। तो इक्वेशन 1 को कंसीडर करो ए प्लस पी माइनस 1 डी, डी की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q के बराबर। सॉल्व कैसे करोगे, इस टर्म को आप उधर ले जाओ, तो ए इधर ही मौजूद है, 1/Q अपनी जगह में मौजूद है, ये टर्म जब उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये है पी माइनस 1/PQ। आप पी माइनस 1 को 1 के साथ लिख दो, तो P माइनस 1/PQ जब उधर जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब आप जैसे आप नॉर्मल एलसीएम लेके सॉल्व करते हो वैसे करो, Q और PQ, तो एलसीएम यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल PQ के बराबर हो जाएगा। Q को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये चीज आए, Q को P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो P को आप न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम मैंने तो खैर आपको पाना चाहिए। इसी तरीके से दरमियान में माइनस है,
पी क्यू जो है वो वन टाइम ही जाता है, तो न्यूमरेटर जो है वो आप एज इट इज कॉपी कर दो, न्यूमरेटर है पी माइनस वन, लेकिन ध्यान से दरमियान में माइनस है। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना चाह रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में कर लो, अभी ब्रैकेट लगा दो। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाह रहे हो तो इस माइनस को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को पी से करोगे तो वो पी हो जाएगा माइनस पी, और माइनस को माइनस वन से करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस वन को आपको न्यूमरेटर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पी से माइनस पी कैंसिल, ए की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन पी की। आपके पास a भी आ गया, आपके पास d भी आ गया, अब वक्त आ गया कि आप किसी तरह p प्लस q टर्म निकालो। और अभी बात सिर्फ ap की हो रही है, hp की हमने बात ही नहीं किया अभी तक, ये सब ap में हम डील कर रहे हैं। तो अब आप क्या करो, p प्लस q टर्म निकालो, ठीक है। p प्लस q टर्म कैसे निकालोगे, सिंपल जो जनरल टर्म का फॉर्मूला उसमें p प्लस q पुट कर दो। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ap का, इसमें n की जगह आपने पुट करना है p प्लस q, तो फर्स्ट टर्म तो फिलहाल ऐसी रहेगी। यहां पे n आ रहा है, n की जगह पे आप पुट कर दो p प्लस क्यू माइनस वन और d। आपके पास a की वैल्यू भी है, आपके पास d की वैल्यू भी है, पुट कर दो यहां पे। a है यहां पे वन अपॉन पी क्यू, सेम जो d है वो भी है वन अपॉन पी क्यू। सिंपल सॉल्व करो इस तरीके से कि p को मल्टीप्लाई, ये वन अपॉन पी क्यू तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना, तो p को जब मल्टीप्लाई करोगे वन अपॉन पी क्यू से तो आंसर आ जाएगा वन अपॉन क्यू, क्यू को मल्टीप्लाई करोगे वन अपॉन पी क्यू से तो आंसर आ जाएगा वन अपॉन पी, और माइनस वन को मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस वन अपॉन पी क्यू। ये दोनों टर्म कैंसिल, आपके पास दो टर्म बचेंगी। अगेन आप इनका एलसीएम लो, एलसीएम होगा पी क्यू, पी जाके वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू जाके वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो टर्म आई है ना, आप ये कह रहे हो कि टर्म जो है ये एपी की है, एपी की जो पी प्लस क्यू टर्म है वो किसके बराबर है, पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू के, लेकिन आपने एचपी की निकालनी थी, तो अब आप इसको रेसिप्रोकल करो और इसको एचपी में कन्वर्ट करो। तो हेंस पी प्लस क्यू टर्म ऑफ एचपी इज, एचपी की जो पी प्लस क्यू टर्म है वो क्या हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। और जब इस तरह आप करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, ये भी चीज आपको सवाल में प्रूफ करनी थी कि पी प्लस क्यू टर्म जो एचपी की है वो इसके बराबर है। सवाल आपका कंप्लीट, एंड पे आप लिख देना प्रूफ। ये सवाल नॉर्म में आते हैं, काफी फेवरेट है, करने का तरीका वही है, ये शुरू का काम एचपी का था, ये एंड का काम एचपी है, बाकी पूरा वही तरीका जो आप लोगों ने शुरू की एक्सरसाइज में सीखा था, कोई नई चीज आपने सीखी नहीं है। एक चीज बता दूं, ये जो 4.8 आपने की है ना, ये जब पुरानी बुक होती थी वो आप इस तरह नहीं करते थे, वहां पे आप एक कॉन्सेप्ट यूज किया करते थे, वो कॉन्सेप्ट की हेडिंग मतलब टॉपिक क्या था, टॉपिक का नाम ही ये था एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। उस थ्योरम से आप एचपी के सारे सवाल सॉल्व किया करते थे, पुरानी बुक में वो फॉर्मूला भी मेंशन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इस टाइप का कोई फॉर्मूला था, वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड पी क्यू आर वन वन वन, इस टाइप का कुछ था, या शायद ये रेसिप्रोकल में, एक सेकंड में पुरानी बुक पढ़ी होगी। यही था एग्जैक्ट, ये फॉर्मूला था। अच्छा, इस फॉर्मूले की खास बात क्या थी, जीरो के बराबर था। इस फॉर्मूले से आप एचपी के सारे सवाल सॉल्व करते थे, जितनी कंडीशन आपके पास आती थी ना कि एचपी की पहली टर्म ये है, पांचवी टर्म ये है, एचपी की नाइन्थ टर्म निकालो, ये सवाल आप इस फॉर्मूले से करते थे, ये सारे सवाल इस फॉर्मूले से हो सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा तरीका था कि आप एपी के जरिए से सॉल्व कर लो। तो मैंने ये वाला तरीका इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो जो कोई अभी ये वाला तरीका करेगा ना पेपर में, मुझे नहीं पता उसको मार्क्स पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि गलत तरीका नहीं है, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक तरीका है, और ये बहुत काम का थ्योरम है, इससे आप काफी सवाल अपने सॉल्व कर सकते हो, 90% सवाल एचपी के सॉल्व हो सकते हैं, कभी कोई कंडीशन शायद आ जाए जिसमें आप ना सॉल्व कर पाओ, लेकिन सारे तकरीबन सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, कोई सवाल मेरे जहन में ना होना इसलिए मैं मार्जिन रख रहा हूँ कि तकरीबन सारे सॉल्व हो जाएंगे, शायद कोई एक तो ना सॉल्व हो, बच्चे बोलेंगे सर ये ना हो, तो तकरीबन सारे सवाल आप इस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये थ्योरम आपकी बुक में मौजूद ही रहते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने ये वाला सवाल करवाया ही नहीं, हालांकि इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए करती थी कि वैल्यूज पुट करो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको पता है कितना ही मुश्किल हो सकता है, हो जाएगा आसानी से, लेकिन अब बुक में डिस्कस नहीं है तो मैंने फिर करवाया ही नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि वर्क कैसे करता है, छोटी सी एग्जांपल है, जैसे आपकी करवा नहीं रहा, आइडिया दे रहा हूँ कि फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। जैसे ये सवाल था ना आपकी बुक में कि सेवेंथ टर्म और टेंथ टर्म आपको दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 2 में,
और आपको बोला हुआ था 14 ड्रम निकालो, तो गिवन क्या था कि जो 7th ड्रम है एचपी की वो 1/3 है, जो 10th ड्रम है वो 5/21 है, और आपको निकालनी थी 14th ड्रम। तो ये फॉर्मूला आराम से आपको 14 ड्रम निकाल के देगा, कुछ लेट पेट करने की जरूरत नहीं है, कोई एपी के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में होता क्या है कि एक्स जो है वो पीएथ ड्रम है, वाई जो है वो क्यूएथ ड्रम है, और जेड जो है वो आरएथ ड्रम है। इसका मतलब पी क्यू आर जो है ना वो नंबर ऑफ ड्रम को रिप्रेजेंट करता है, पीएथ क्यूएथ आरएथ। तो अगर आप यहां पे देखो, यहां पे 3 ड्रम्स का जिक्र किया गया है, 7th, 10th, 14। तो सेकंड रो में आप क्या पुट करोगे, मतलब पी यहां पे 7 है, इसको आप सिंबल में इस तरह लिखोगे, एपी इज इक्वल टू एक्स, ए क्यू इज इक्वल टू वाई, ए आर इज इक्वल टू जेड। मतलब जो पीएथ ड्रम जो है वो एक्स है, क्यूएथ ड्रम जो है वाई है, आरएथ ड्रम जो है वो जेड है। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो पी की वैल्यू 7 है, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 के बराबर, और जो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 के बराबर। डिनोमिनेटर वाली लॉ तो सारी बात मन है। न्यूमिनेटर में क्या पुट करते हो, x y z का रेसिप्रोकल। x क्या होता है, जो पीएथ ड्रम है, पीएथ ड्रम किसके बराबर है सवाल में, 1/3 के बराबर है। तो x की जगह, मतलब ये पूरी x की वैल्यू है ना, आपने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3। फिर आपने y का रेसिप्रोकल करना है, y कौन सी ड्रम होती है, क्यूएथ ड्रम। आपकी क्या है 5/21, रेसिप्रोकल करो 21/5। फिर क्या था, यहां पे आप पुट करते थे जो आपकी आरएथ ड्रम है। अब आरएथ ड्रम ही तो आपको निकालनी थी, मतलब 14 ड्रम आपको निकालनी है, तो इसका मतलब यहां पे जेड आपको मालूम करना है, बाकी हर चीज आपको पता है। इसका आपको नहीं पता तो आप एज इट इज इसको ऐसे लिख लिया करते थे, और फिर इस डिटरमिनेंट को आप रखते थे 0 के बराबर। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना काफी आसान तरीका, आप किसी भी रॉ से एक्सपेंड करोगे, एक ही अननोन होगा वो जेड होगा। जैसे आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब आपके पास 14 ड्रम आ जाएगी। इस तरीके से आप थ्योरम को इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं करवाया, आपकी बुक में मौजूद नहीं है, और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि वही काम करो जो बुक में मेंशन हुआ है, वरना किसी को एतराज हो सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को वो मेथड करवाया जो 100% ठीक है, कोई कुछ कहेगा नहीं उसमें। मेथड ये भी ठीक है, बस बुक में डिस्कस नहीं है।